हेलो गाइस, तो यार स्वागत है तुम सबका एक और ब्रांड न्यू पबजी न्यू स्टेट की वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार हॉरिजॉन्टल कैमरा एक्सेलरेशन की, क्या होता है, तुम्हें यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो भी तुम्हें इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो बने रहो यार इस वीडियो के साथ स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना अपने हर उस दोस्त के साथ जिसको इस ऑप्शन के लिए प्रॉब्लम लगती है, या तुम्हें खुद भी प्रॉब्लम होती तो अपने साथ ही शेयर कर लेना, ठीक है। तो यार चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यार देखो वर्ड को समझो, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होने की, 2-2.5 मिनट की होगी। तो तुम्हें समझना है कि हॉरिजॉन्टल कैमरा एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। ये मोबाइल गेम्स में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है, पीसी गेम्स में ये चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे माउस के साथ तुम ये चीज़ करते हो, यहाँ पे तुम्हारा टच स्क्रीन के साथ होगा, बस फ़र्क इतना है। तो सबसे पहले तुम्हें सबको पता ही होगा कि हॉरिजॉन्टल का मतलब है राइट, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, जो भी लाइन होती है उसको हॉरिजॉन्टल कहेंगे, जो नीचे से ऊपर होगी वो वर्टिकल, ये तुम्हें पता ही है। ये वर्टिकल रिकॉइल और ये हॉरिजॉन्टल रिकॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अभी मैंने एग्जांपल दी तुम्हें, रिकॉइल वैसे होता नहीं है, वैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता है, बट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का मतलब है राइट टू लेफ्ट और वर्टिकल ऊपर से नीचे। तो यहाँ पे बात की गई है हॉरिजॉन्टल कैमरा रोटेशन की, यानी कैमरा की जो तुम्हारी रोटेशन है इस तरह से राइट टू लेफ्ट वाली, उसमें एक्सेलरेशन आएगी। वो एक्सेलरेशन कैसे आएगी इस चीज़ को समझना है तुम्हें। अब कभी कभी तुम फाइट के बीच में होते हो यार, तो उस टाइम पे ऐसा सीन होता है कि तुम अपनी फिंगर जो है, राइट वाला थंब जो है जिससे तुम एम करते हो, उसको तुम ज़्यादा स्वाइप करते हो। अभी मेरी एक्सेलरेशन ऑन है तो देखना, तो मेरी सेंस ही कम है, बट मैं जितने तेज़ फिंगर को स्वाइप करूँगा उतना तेज़ होगा। ये देखो, ये डिपेंड करेगा कि मैं उंगली किस स्पीड से घुमाता हूँ। तो इसका क्या मतलब है, मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। मुझे पता है कन्फ्यूज़ हो रहे होगे क्योंकि मेरे पास हैंड कैम नहीं है, हैंड कैम होता तो बहुत ईजी रहता, उसके लिए आई एम सॉरी। अगर तुम अपनी फिंगर तो नॉर्मल स्पीड पर, जैसा कि रेगुलरली तुम मूव करते हो ये एम वाली, तो ये तुम्हारा सेंसी जो तुमने अप्लाई किया सेंसी वो उतनी ही रहेगी, ठीक है। जैसे 70 की रखी हुई है, 60 की रखी हुई है, तो ये सेंसी उतनी ही रहेगी। जैसे मेरी 70 की अभी, तो ये 70 की सेंसी से ही मूव होगा। सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ तुम्हें ताकि तुम कन्फ्यूज़ ना हो। अब ये यहाँ से 70 की सेंसी में मूव होगा, लेकिन जब मेरा हॉरिजॉन्टल कैमरा एक्सेलरेशन ऑन रहेगा, उससे क्या होगा, जिस स्पीड से मैं उंगली अपनी ये राइट थंब के साथ एम करता हूँ, जिस स्पीड से मैं उसको घुमाऊंगा, उतनी उसमें स्पीड की इंक्रीमेंट होगी, ठीक है, समझ रहे हो तुम। यानी 70 की तुमने सेंसी रखी हुई है, लेकिन अगर तुम्हारा वो वाला ऑप्शन ऑन है और अगर तुम तेज़ घुमा लेते हो फिंगर हीट ऑफ द मोमेंट में, अगर ऐसा कुछ हो जाए कभी कि फाइट के बीच में फंसे और तुमने उंगली फास्ट घुमा दी, तो तुम्हारा जो करैक्टर है वो 70 की सेंसी से नहीं, थोड़ा सा उससे बढ़ के सेंसी से घूमेगा। जिस हिसाब से तुम्हारी फिंगर की स्पीड होगी उस सेंसी उसके अकॉर्डिंग वो तुम्हारा करैक्टर कि जो सेंसी है वो उस सेंसी पे मुड़ेगा। तो यही है यार हॉरिजॉन्टल कैमरा एक्सेलरेशन। अब इसकी बात करें तुम्हें यूज़ करना चाहिए नहीं, देखो ये टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इसको फ्यूचर में और अच्छे से, जब मैं पर्सनली इसको यूज़ करके खेलूंगा तो मुझे पता चलेगा कि इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं तुम्हें भी बता दूंगा। बट अभी के लिए अगर फीचर हमें मिला है तो आई वुड से कि तुम इसे ट्राई करो, खुद से ट्राई करो अगर तुम्हें अच्छा लगे। मेरे को तो कभी कभी ऐसा, क्योंकि मैं बहुत लो सेंसी पे खेलता हूँ, तो कभी कभी ऐसे 360 डिग्री से तुम्हें क्या पता ज़्यादा घूमना पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। या तुम कम सेंसी पे रखोगे और हॉरिजॉन्टल कैमरा एक्सेलरेशन ऑन कर दोगे, अपनी सेंसी कम रखोगे, तो जब भी उसके साथ तुम्हें आदत हो जाएगी तो तुम तब भी उसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। क्योंकि कम सेंसी पे तुम्हें अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, कम सेंसी पे एम बहुत ही अच्छा हो जाता है। यानी जितनी कम सेंसिटिविटी तुम्हारी रहेगी उतना अच्छा तुम्हारा एम होगा। क्लोज रेंज की बात कर रहा हूँ, बाकी रिकॉइल की बात उसको नहीं समझ लेना, मैं सिर्फ क्रॉस हेयर फाइट की बात कर रहा हूँ। तो यार इसलिए हॉरिजॉन्टल कैमरा एक्सेलरेशन है जो, उसको तुम ऑन ही रखो अगर तुम्हारी सेंसी कम है। अभी के लिए जो कंक्लूजन मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये दे रहा हूँ, अगर तुम्हारी सेंसी ज़्यादा है तो मेरे हिसाब से तुम्हें इसको ऑन करने की कोई नीड नहीं, इसको ऑफ कर दो, क्योंकि ये तुम्हारा गेम प्ले और ज़्यादा ख़राब करेगा। तो यार आई होप कि तुम्हें समझ आ चुका होगा इस वीडियो से कि क्या हॉरिजॉन्टल कैमरा एक्सेलरेशन काम कैसे करता, होता क्या है। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो जो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पहली बार आए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर देना और बेल का आइकन भी दबा देना। तो यार अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।